काम कर रहा है उस पर नहीं होता। ये बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, या जहां पर केमिकल्स बनते हैं वो इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि वहां पर सीमेंट इंडस्ट्री तो काफी ओपन में होती है, लेकिन जहां केमिकल्स बन रहे हैं वो इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ कुछ केमिकल्स जब आप बनाते हैं तो वहां पर जो दो टाइप की प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, तो कुछ कुछ जगह हीट बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है और वहां पर ये कंडीशंस आपको देखना पड़ता है। डस्ट एंड फ्यूम, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, डस्ट का तो छोड़ देंगे, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है कि जहां पर डस्ट अपने आप निकलती है, आप जैसे फ्लशिंग करते हैं या क्लीनिंग करते हैं तो डस्ट इज स्प्रेड इन द एयर, देन फ्यूम्स, फ्यूम्स आर अगेन सम सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल देम केमिकल वेपर्स विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ। देन ओवर क्राउडिंग जो अभी अपन ने बताया कि उसमें स्पेसिफिक दिया है कि आपकी रूम का साइज ये होना चाहिए तो इतने 20 लोग काम करेंगे, हाइट कितनी भी ज्यादा रहेगी तो नहीं चलेगा। लोग क्या करते थे उस वक्त भी, ऐसे केसेस हुई थी कि लोगों ने हाइट, क्योंकि पुरानी फैक्ट्री कैसी थी उसको शेड रहता था तो हाइट बहुत ज्यादा रहती थी, तो हाइट की वजह से वो क्यूबिक मीटर में डालते थे तो वो क्यूबिक मीटर में नहीं चलेगा, इट शुड बी स्क्वायर फीट में, तो वो स्क्वायर फीट में और हाइट इतनी रहना चाहिए। बहुत ज्यादा हाइट है तो वो अकाउंट में नहीं आएंगे टू कैलकुलेट, तो ओवर क्राउडिंग नहीं रहना चाहिए। देन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, कहीं कहीं आप क्या करते हैं कि प्रोसेस के लिए ह्यूमिडिफिकेशन बढ़ा देते हैं, मतलब ज्यादा से जनरली मॉइस्चर वहां क्रिएट करते हैं, तो वहां पर जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो देखना है। लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग शुड बी देयर फॉर द पीपल टू वर्क, अगर लाइटिंग सफिशियंट नहीं है तो दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। ड्रिंकिंग वाटर देना है, स्पिटोन्स देना है, बिकॉज दीज आर द एसेंशियल थिंग्स इन इंडियन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, और ये सेक्शन 11 to 20 डिस्कस करते हैं, अपन ने बहुत कम लिए हैं, एक्चुअल बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ प्रोविजन। हेल्थ प्रोविजन यही बोलते हैं कि जो भी आप एम्यूनिटीज दे रहे हैं वो एम्यूनिटीज वर्कर्स की हेल्थ को बढ़ाना चाहिए, अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज द वर्किंग इन द इंडस्ट्री इज कंसर्न। सेफ्टी प्रोविजन, फेंसिंग ऑफ द मशीनरी, जो भी रिवॉल्विंग मशीनरी है, कुछ कुछ मशीनरी हाई रिवॉल्यूशन वाली रहती है तो उसका फेंसिंग होना बहुत जरूरी है। वर्क ऑन नियर द मशीन इन मोशन, जो मोशन में रहती है उसका फेंसिंग रहना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, अपन ही लोग रहते हैं, वो सुपरवाइजर रहते हैं, उसको बोलते हैं वो उसका गार्ड निकाल दे, फिर वो बराबर काम करता। तो दीज आर द थिंग्स विच वी ऑल्सो डू नॉट टेक केयर, लेकिन फैक्ट्री एक्ट बोलती कि ये मत करो आप, वो जो गार्ड शुड बी देयर एंड दैट गार्ड शुड नॉट बी रिमूव्ड। एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोविजन ऑफ यंग पर्सन एंड वुमन्स का भी है उसमें, ठीक है। तो यंग पर्सन, अभी फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या है, 15 साल के ऊपर के आदमी को कुछ छोटे काम के लिए ले सकते हैं, ठीक है। 14 से नहीं चलेगा, 15 से 18 तक उसको अपन यंग बोलते हैं, ठीक है, उसको अपन एडल्ट वर्कर नहीं बोलेंगे। तो उसको रूल्स अलग लागू होते हैं, जनरली तो ले ही मत, लेकिन अगर किसी ने लिया है तो उसके लिए अलग रूल्स रहेंगे। उसको ज्यादा काम, एक्सेसिव वर्क आप दे नहीं सकते हैं, उसके लिए छुट्टियां का प्रोविजन कम डेज का, वर्किंग के बाद छुट्टी ज्यादा मिलती है, तो ट्राई टू अवॉइड इट। लेकिन फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजन करके रखा है कि अगर ऐसा कोई लेता है तो उसको आप डेंजरस मशीन के पास डिप्यूट नहीं करोगे। जो भी स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस ऑफ कटिंग ऑफ पावर है उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस आदमी ही रखोगे। सेल्फ एक्टिंग मशीन भी ट्रेंड आदमी काम करेगा। केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, मशीनरी की केसिंग रहना जरूरी है। अब ये इसलिए जरूरी है कि जब भी फैक्ट्री एक्ट में आपके इंस्पेक्शन होता है तो इंस्पेक्टर ये सब देखता है, और ये नहीं मिला तो उसका लैक्यूनाज या आपके शॉर्टफॉल्स बढ़ जाते हैं, जिसको नॉन कॉम्प्लायंस बोलते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, इस टाइप के जगह जहां पर जो कॉटन के जो बारीक बारीक किए होते हैं वो एयर में आने की वजह से आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, तो वहां पर बेसिकली ये रखना नहीं चाहिए। और लिफ्ट या जो भी आप लिफ्ट जैसे प्रोविजंस कर रहे हैं मटेरियल ऊपर नीचे लेके जाने के लिए, दे शुड बी प्रॉपरली टेकन केयर। अभी बीच में किसी को आइडिया होगी तो WCL में केस हुआ था कि वो आदमी ऊपर से नीचे गिर गया, कि उसका दरवाजा बंद नहीं होता था, उसको लगा लिफ्ट है वो चला गया नीचे गिर गया, सर्वाइव, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन द एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस। तो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। सो लिफ्ट्स एंड हॉइस्ट शुड बी टेकन केयर, वहां पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल होना चाहिए, या फिर वो अगर अनऑपरेटिव है तो वो बंद रखना चाहिए। ऑल दोस थिंग्स शुड बी टेकन केयर।
वेलफेयर प्रोविजंस, वॉशिंग फैसिलिटीज, हाथ पांव धोने के लिए, नहाने के लिए एम्प्लॉय वर्कर्स को जगह रहना चाहिए स्पेसिफिक, ऐसा नहीं वहां कहीं भी रहा नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री एक्ट में दिखाना पड़ता है आपको, तो फैक्ट्री एक्ट में ये रहना चाहिए फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग, क्योंकि आपकी शिफ्ट में काम करते हैं लोग यूजुअली, तो शिफ्ट में काम करने के बाद उनको सोने की भी प्रोविजन आपको देना पड़ता है एक रूम, उनके कपड़े सुखाने के और धोने के लिए भी आपको जगह देना पड़ता है, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ वर्कर्स आर मोर। उसके बाद फैसिलिटीज फॉर सीटिंग, जैसे ओवरलैप होता है कभी कभी शिफ्ट का, तो तुरंत घर नहीं जाएंगे तो कभी कभी उसके लिए बैठने को जगह होना। देन फर्स्ट एयर अप्लायंसेज, वन फर्स्ट एयर बॉस नॉट लेस देन फॉर वन एवरी 150 वर्कर्स, तो फर्स्ट एयर बॉस रहता है लेकिन अंदर कुछ नहीं रहता। ओके, तो ये ऑल्सो दैट इज अ प्रोमिनेंट सिचुएशन। इंस्पेक्टर जब आता है तब उसमें एक्सपायर ड्रग्स मिलते हैं कभी कभी, ड्रग्स इन द सेंस वो जो तुम्हारा ये रहता है ऑइंटमेंट वगैरह। देन कैंटीन वेन देर आर मोर देन 250 नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर 250 से ज्यादा वर्कर्स है तो कैंटीन रहना चाहिए। देन शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम वेन देर आर 150 और मोर वर्कर्स, अगर 150 से ज्यादा वर्कर्स है तो ये सब रहना चाहिए और ये अलग से दिखना चाहिए, फैक्ट्री का ही एक रूम आपने इसको अलॉट कर दिया ऐसा नहीं चलेगा। क्रेच वेयर 30 और मोर वुमेन वर्कर आर देयर, ठीक है, तो क्रेच रहना चाहिए एंड फॉर दैट यू हैव टू अपॉइंट एक मेल सर्वेंट, जैसे भी अपॉइंट करना पड़ता है, सो दैट इज द एडिशनल थिंग। वेलफेयर ऑफिस वेन ऑफिसर चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर वेन देर आर 500 और मोर वर्कर्स, तो 500 या ज्यादा से अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्रोविजन है, तो ये जो वेलफेयर ऑफिसर रहता है ये एक्चुअली सैलरी मैनेजमेंट की लेता है और काम गवर्नमेंट का करता है, सो दैट इज व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन इंडस्ट्री। तो उसका यही रोल रहता है कि व्हाट आर द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड ही हैज टू रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एज वेल एज इंस्पेक्टर, कि ये इंडस्ट्री ये ढंग से काम नहीं कर रही। लेकिन जो कंपलसरी प्रोविजन है 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको वेलफेयर ऑफिसर रखना ही पड़ेगा, और ही इज रोल इज टू एडवाइज द वर्कर्स, इज रोल टू सी दैट वट एवर आर द बेसिक एम्यूनिटीज विच आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री और द मैनेजमेंट, दोज आर प्रोवाइडेड एंड दैट इज वॉट इज द वेलफेयर ऑफिसर्स रोल इज देयर, एंड दिस इज प्रोवाइडेड व्हेन दिस नंबर ऑफ पीपल आर देयर वर्किंग। वर्किंग आवर्स प्रोविजन, व्हाट इज वर्किंग आवर्स प्रोविजन, वर्किंग आवर्स स्प्रेड ओवर एंड ओवर टाइम फॉर एडल्ट, वीकली आवर्स नॉट मोर देन 48, जो अभी स्पेसिफाई किया है कि वीकली आवर्स शुड नॉट बी मोर देन 48, देन डेली आवर्स नॉट मोर देन 9 आवर्स, इंटरवल्स ऑफ रेस्ट एटलीस्ट हाफ आवर ऑन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन 10.5 आवर्स, स्प्रेड ओवर्स यू माइट बी अवेयर मालूम है ना, स्प्रेड ओवर्स मतलब आने और जाने का टाइम, कभी कभी बीच में जैसे शॉप्स में और एस्टेब्लिशमेंट में अपन क्या करते दोपहर में बंद रखते दुकान, तो वो जो रहता है वो वर्किंग आवर्स में काउंट नहीं होता, तो वो स्प्रेड ओवर्स रहता, मतलब आपको अगर 9 बजे अगर आपने 7 बजे आदमी को बुलाया तो वो स्प्रेड ओवर 10.5 आवर्स ही रहना चाहिए, तो 7 से 10.5 कितना हो जाएगा, तो 7 और 12 हो जाएगा, तो 5:30 तक उसको रख सकते हैं आप, उससे ज्यादा उससे काम करवा नहीं सकते, लेकिन उसके बीच में उसको रेस्ट देना पड़ेगा, 9 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो स्प्रेड ओवर मतलब टाइम ऑफ स्टार्टिंग द जॉब एंड टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब, वो जो टोटल पीरियड है उसको स्प्रेड ओवर बोलते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट्स इज प्रोहिबिटेड, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होता, आधा घंटा जनरली ओवरलैपिंग अलाउड है या होता है। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम डबल द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, अगर वो ज्यादा काम करता है 4 घंटे से ज्यादा तो उसको डबल द रेट मिलना चाहिए, या फिर जैसे कुछ कुछ कंपनी उसको वीकली ऑफ दे सॉरी कॉम्पेंसेटिव ऑफ देती है, इस टाइप के जो प्रोविजन है बीच में भी मोर ल्यूक्रेटिव वो रहना चाहिए। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर सॉरी रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, फैक्ट्री में काम कर रही है, तो उसको आप 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद रुका नहीं सकते काम के लिए, एंड दीज आर कवर्ड इन सेक्शन 51, 54 एंड ऑल दोस थिंग्स। सर ये जो जनरल है 9 hours 48, दिस इज फॉर ओनली लेबर और मैनेजमेंट स्टाफ आल्सो? सी एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर लेबरर्स, लेबरर्स ओके, बट वी आर अप्लाइंग ऑलमोस्ट टू ऑल द कंसर्न पर्सन। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज दैट वो फैक्ट्री में ऐसे वर्किंग रहे, फैक्ट्री का भी ऑपरेशन है, इट्स अ प्लांट हेड, हां तो क्या इसको भी एप्लीकेबल रहेगा?
नहीं देखो ये तो पूरा मैनेजमेंट का कंसर्न है ठीक है रहेगा कि नहीं लेकिन एज पर एज मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स आर ऑल्सो वर्किंग इन द सेम पैटर्न एज पर एज वर्किंग इज कंसर्न बट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी मैनेजमेंट चैलेंज है। हाँ लेबर के लिए चैलेंज हाँ लेबर के लिए